नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं जनता की आवाज़, जनता के साथ सीधी बातचीत, जानते हैं लोगों का कैसा अनुभव है। डेरा सच्चा सौदा संस्थापक सिंह डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? अमरजीत इंसा। कहाँ से आए मैम? यहीं से, अम्बाड़े से आए हैं। वैसे डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हैं? हम जाते बचपन से ही ले रखे हैं हमने ना। अच्छा, कितना विश्वास करते हो? बहुत ज़्यादा करते हैं जी, खुद से भी ज़्यादा। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास? वो तो हम तो जी कहना नरक के कीड़े थे कहना, जेड़े मालिक ने यहाँ तीन लिया दिए राजे बना दिए। पहले साइकिल क्यों कातनी थी, अब गड्डियाँ तई हैं जी, अब परिवार भी सुखी सारा ही यहीं आ गया। हम तो घर बार छोड़ के भी अपना बेच बूझ के इधर ही रहने लग गया, इधर ही ले। यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा कैसी है? अपने घर से भी अच्छी है जी, जैसे ऐसे तो घर पे भी सुरक्षा नहीं रहती बेटी अपनी, जैसे यहाँ पे छोड़ के विश्वास कर लेते माँ बाप। लेकिन मैं मीडिया में टीवी में तो काफ़ी अलग दिखाया जा रहा था। अरे मीडिया में ऐसे कहना बिकाऊ होती है, ऐसे थोड़ी मीडिया में झूठी खबरें छाप देते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो हमारे गुरु भी सच्चे, उसकी कहना भक्त भी सच्चे, सब कुछ यहाँ तो बहुत अच्छा है। क्या लोगों के लिए क्या काम किए जाते हैं? जैसे वैश्यों की शादी कराना, गरीबों के मकान बना के देना, खूनदान करना, और भी बहुत कार्य चला रखे हैं हमारे गुरु ने। ज़रूरत है मैम उनकी समाज को? समाज को गुरु जी की बहुत ज़रूरत है जी। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो यही कहेंगे भी हमारे गुरु जी का कोई दोष नहीं है जी, बिना उससे फंसाए गए हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है, उनको रह किया जाए और सच्चे यहाँ हमेशा सच्चे ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं आया यहाँ पे। हम तो यहीं पे रह रहे हैं, हम तो बचपन से नाम ले रखा है, इधर ही आ गए, अब ऐसा कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। हम तो सेवा भी पहले भी करके जाते थे बचपन में भी, अब भी करते हैं। यहाँ तो इतनी सुरक्षा है जैसे अपने घर पे भी नहीं होती बेटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं लगातार जनता की आवाज़, लगातार जनता कह रही है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसान समाज में आने चाहिए। आप भी देखते रहिए, आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।